हेलो वीवर्स, आज हम लोग कटिंग करेंगे एक सर्कुलर प्लाजो की, जिसके लिए हमने यूज़ किया है 3.5 मीटर जर्जेट फैब्रिक और 3.5 मीटर बटर फैब्रिक। सबसे पहले हम फैब्रिक को फोर फोल्ड करेंगे इन ट्राइंगल शेप। ट्राइंगल शेप में फोल्ड करने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे ये फोर फोल्ड है या नहीं। उसके बाद हम लोग उसके वेस्ट यानी उसके कमर का मेजरमेंट लेंगे। अब हम लोग वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे जो कि हमारा 40 है और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 आया। तो हम चारों साइड से इसका 10-10 मार्किंग लेकर हम यहाँ मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे ये हमारा 10 ही आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो उससे ऊपर 1 सेंटीमीटर पे हम लोग मार्क कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे और हम मेजरमेंट यहाँ ले रहे 38 इंच, तो हम पूरे 38 इंच पे मार्क कर लेंगे। पूरा इक्वली मार्क करेंगे पूरे में पूरे अच्छे से। अब हम यहाँ क्रॉच का मार्किंग करेंगे जो कि हम यहाँ 12 इंच पे कर रहे हैं और 2 इंच हमें डीप देना है। 2 इंच डीप करने के बाद हम ऊपर से लाइनिंग में इसे मिला देंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच मार्क करते हुए हमें इसे सर्कुलर बना देना है। यहाँ पे गोलाई दे दे रही है जिससे हमारा जो हिप होगा उसका मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट आएगा। अब यहाँ हम कटिंग स्टार्ट करेंगे तो चारों तरफ से मार्जिन लेते हुए हम यहाँ कटिंग करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि मार्जिन के साथ ही कट करना है, मार्जिन लेकर ही ऑलवेज कटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ जो हमारा 2 साइड में कपड़ा कम है तो उसे अलग से कपड़ा लेके हम यहाँ पे जितना नीचे का है कपड़ा उतना ही ऊपर मेजरमेंट करके उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी कटिंग अस्तर की जो होती है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग ऊपर वाले जर्जर फैब्रिक की कटिंग करेंगे जो एज़ यूजुअल जो हमारा अस्तर वाला है सेम उसे रख के उसी तरह से हम पूरा कटिंग कंप्लीट कर देंगे। I'll be alright.
अब इसका भी जो बचा हुआ पार्ट था जो दो साइड में उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर बेल्ट के लिए हम पीस कट करेंगे जिसका लेंथ है 4 इंच और विड्थ है इसका 14।